Hello everyone, welcome to Avista Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 2 Lost Spring. In this video lecture, we will see some important question answers. So let's start. Answer the following questions. Question 1. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साहिब नाम का लड़का है वो garbage dumps यानी कूड़े कचरे के ढेर में वो क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है. Where is he and where has he come from? वो कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया है. So answer, he is looking for some silver coin or currency note. वो क्या खोज रहा है garbage dump में? वो कुछ सिल्वर कॉइन खोज रहा है यानी चांदी के सिक्के खोज रहा है और वो कुछ करेंसी नोट खोज रहा है. दिस ओनली इज़ गोल्ड फॉर हिम. और ये जो गार्बेज डंप है ये उसके लिए एक तरह से गोल्ड के सामान है, सोने के सामान है. ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली. और वो कहाँ से आया हुआ है? वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया हुआ है और अभी वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो जूते चप्पल नहीं पहने हुए हैं उन बच्चों के लिए जो ऑथर है वो क्या स्पष्टीकरण देती है यानी एक्सप्लेनेशन देती है. सो आंसर, सी सेज दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज. जो ऑथर है वो कहती है कि जो बच्चे हैं वो इतने गरीब है कि उनके पास स्वयं के लिए कोई जूते नहीं है, शूज़ नहीं है. इट कुड ऑल्सो बी अ ट्रेडिशन अमंग देम टू गो बेयर फुट. बेयर फुट मीन्स नंगे पैर. ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं उनके लिए एक तरह से परंपरा बन गई है कि वो लोग नंगे पैर ही चलते हैं. ऑथर जो है वो बताती है कि कुछ लोगों की इस तरह से परंपरा बन जाती है कि अगर उनके पास जूते चप्पल भी रहेंगे तो भी वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं क्योंकि एक तरह से उनकी हैबिट बन गई रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साहिब है वो टी स्टॉल में काम करते हुए क्या वो खुश है जैसे पहले वो गार्बेज डंप में रैक पिकिंग का काम करता था. इट मीन्स वो कूड़े कचरे बीनता था और वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती थी उन चीज़ों को वो बेच दिया करता था. लेकिन अब वो टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया है, उसे 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं, खाना मिलता है, तो क्या अब वो इस सिचुएशन में खुश है? एक्सप्लेन करना है. सो आंसर, नो, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल नाउ. He is no longer his own master. वो टी स्टॉल में काम करके अब खुश नहीं है क्योंकि वो अब स्वयं का मास्टर नहीं रहा, अब वो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है. पहले वो स्वयं का मास्टर था, वो अपने हिसाब से काम करता था, गार्बेज डंप में रैक पिकिंग का काम करता था, बट अब वो उतना खुश नहीं है. उसके फेस से जो लुक था, जो हैप्पी लुकिंग फेस था, वो अब नहीं रहा. सो इस तरह से वो अब खुश नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिरोजाबाद का जो शहर है, फिरोजाबाद शहर है, उस शहर को ऐसी कौन सी चीज़ है जो फेमस करता है? सो आंसर, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. सो जो फिरोजाबाद शहर है वो बैंगल्स के लिए फेमस है यानी चूड़ियों के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ बिजी इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. और यहाँ पे फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाने में लगा हुआ है. मीन्स वहाँ के लोग बैंगल्स बनाते हैं, ज़्यादातर चूड़ियाँ बनाते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाते हैं. सो इसीलिए वो काफ़ी फेमस है. इसके अलावा क्या है कि ये जो है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का भी एक तरह से केंद्र बन चुका है. यहाँ पे ढेर सारी चूड़ियाँ बनाई जाती है. नेक्स्ट है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ियाँ निर्माण करने वाले उद्योग है, उन उद्योग में काम करने की कौन कौन से खतरे हैं, जोखिम है. हैजर्ड्स मीन्स जोखिम या खतरे. सो आंसर, वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. तो जो वर्कर्स हैं, कारीगर है, उन कारीगर को
डिंगी सेल्स यानी गंदे जो कमरे हैं, गंदे कमरे हैं, उनमें बिना हवा और प्रकाश के काम करना पड़ता है. दे गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. और जो बैंगल्स है, चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों को रंगते समय जो डस्ट निकलते हैं, उन डस्ट से लोग अंधे हो जाते हैं. द टेम्परेचर अराउंड द फर्निस इज एक्सट्रीमली हाई. और जो फर्नेस है यानी कि जो भट्टियाँ हैं, भट्टियाँ के जो चारों ओर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है. सो इस तरह के जोखिम होते हैं, यानी जो खतरे हैं, यानी इस तरह के जोखिम होते हैं. नेक्स्ट है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ हिज फैमिली. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मुकेश का जो नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो इस सिचुएशन में अपने परिवार वालों से बिल्कुल अलग है. मीन्स वो उनकी सोच और उनके परिवार वालों की सोच बिल्कुल भिन्न है. कैसे? सो आंसर, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. तो जो मुकेश नाम का लड़का है, वो कौन से परिवार से बिलोंग करता है? वो बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है. ही डज नॉट लाइक मेकिंग बैंगल्स. और वो बैंगल्स बनाना, चूड़ियाँ बनाना पसंद नहीं करता है. ही इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर. और वो इस चीज़ की कामना करता है कि वो स्वयं का मास्टर बने. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड वॉन्ट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट. और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, अपना स्वयं का मास्टर बने, और वो ड्राइविंग सीखना चाहता है. और वो इसके लिए क्या करना चाहता है? इसके लिए वो ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार है. सो इस तरह से मुकेश का जो एटीट्यूड है, वो अपने परिवार वालों के एटीट्यूड से बिल्कुल अलग है. सो इस तरह से हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.